पीगा? हाँ बहन। अरे तुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे वो जो हर लड़की के साथ होता है। क्या होता है, जल्दी बोल, मुझे ट्यूशन जाना है। अरे वो जिसे सब पी। हाँ माँ। अच्छा बाय, मैं ना तुझे इन सब बारे में बाद में बताती हूँ। हेलो पायल। हेलो हेलो पायल। हेलो, पता नहीं किस बारे में बकवास कर रही। को कॉल करूं? नहीं यार, बहुत ही अजीब लगेगा। भैया भी पुणे गए हैं, वो होते तो मेरी मदद करने जरूर आते। क्या हुआ, कुछ हेल्प चाहिए तुम्हें? नहीं कुछ हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम पेट दर्द का बहाना मार के क्लासेस बंक कर रही हो। ओ हेलो, मैं क्लासेस बंक नहीं मारती। ऐसा? ओ अब समझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। एक सेकेंड। क्या समझाइए? ये लो इनो, तुम्हें गैस बन गया है ना। स्टूपिड, आर यू मैड? मुझे कुछ गैस वैस नहीं बना है। तो अरे मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, इससे क्या बना। बस तुम मेरा एक काम कर दो, ऑटो स्टैंड से जाके एक ऑटो लेकर। ऑटो क्यों, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो, जितना बोला है उतना ही करो। ओके ओके जाता हूँ। ये लो। ये? हाँ, ये हर लड़की के मंथली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ गया था। ये लो, यहाँ बाजू में वॉशरूम है, तुम जाके आ सकते हो। थैंक यू।
फॉर्मेलिटी दिखा रहे हो या फिर सच में बोल रहे हो? अरे सच्ची वाला थैंक यू। फिर ठीक है। वैसे ये चीज के बारे में तुम्हें कैसे पता? कैसे पता क्या, ये सिचुएशन यूनिवर्सल है। और ये तुम्हें बताया किसने? मुझे मेरे भैया ने बताया था। ओ, एक बात कहो, अगर इस कंट्री में तुम्हारे और मेरे भैया जैसे भाई होना तो उस दिन हम सच्ची फ्रीडम डे मनाएंगे। अच्छा सही है, फिर तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम? वैसे मेरा नाम रमेश है। वो एक चुटकी सिंदूर वाला? नाइस जोक। हां 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 भैया। हाँ क्यों? नहीं, वो आप पुणे गए थे ना? हाँ, मैं पुणे जाने के लिए निकला तो था, लेकिन फिर पता चला कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, फिर मैं वापस चला आया। भैया, आज ना मुझे बहुत याद आया। क्यों भला? क्योंकि आज मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए थी। क्या हेल्प चाहिए थी बोलो? अब नहीं भैया, वो हेल्प किसी और ने कर दी। अच्छा भैया, आपको कुछ बताना है। बोलो भैया। आज ना मेरा फर्स्ट पीरियड शुरू हो गया। ओके ठीक है, इधर बैठो बैठो। ओ मेरी गुड़िया, आज इतनी बड़ी हो गई। लेकिन जब ये हुआ तो तुम तब बाहर थी, तुमने प्रिकॉशंस कैसे लिए? भैया वो हुआ यू, जब मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा तो। और फिर उस लड़के ने सैनिटरी पैड लाकर मेरी मदद की। अच्छा, सुनकर अच्छा लगा। अब लगता है हमारी सोसाइटी बदल रही है, गर्ल्स की प्रॉब्लम लड़के भी समझ रहे हैं। अच्छा है। लेकिन मेघा, मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस बारे में दे देता हूँ, ओके? हाँ भैया। देखो, ये पीरियड्स मंथ में आता है और ये 5 से 6 दिन तक रहता है। इस दौरान तुम पेन से गुजर सकती हो और थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो सकती हो, हाँ, लेकिन तुम्हें जहाँ तक हो सके अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को हैप्पी फील करना है, और दर्द के दौरान तुम्हें गर्म पानी का सेक लेते रहना है, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है? हाँ। और खाना गर्म है तो उसे ठंडा हो जाए तब खाना। और एक मेन बात, सैनिटरी पैड को 5 से 6 घंटे में तुम्हें चेंज करते रहना, नहीं तो इन्फेक्शन का डर होता है, ओके? थैंक यू सो मच भैया, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। ओ वेरी गुड।